The question is, in the given figure, AB is parallel to CD. Prove that angle BAE minus angle ECD is equal to angle AEC. हमें इस फिगर में गिवन है कि ये AB और CD है पैरेलल और हमें ये प्रूव करना है एंगल BAE यानी कि ये जो एंगल है माइनस ECD माइनस दिस एंगल विल बी इक्वल टू AEC AEC दिस एंगल राइट. देखो यहाँ पर दो साइड पैरेलल तो दे रखी हैं लेकिन बिना कंस्ट्रक्शन के हम इसे प्रूव नहीं कर पाएंगे. या तो हमें ऐसा करना होगा देखो क्योंकि इन दोनों एंगल्स में भी कोई रिलेशन बन नहीं रहा है, दोनों पैरेलल तो है, जब तक आगे एक्सटेंड नहीं होगी तब तक इनमें रिलेशन नहीं बनेगा. ठीक है, तो हम इसमें जो कंस्ट्रक्शन करेंगे वो हम ऐसा करेंगे कि इस सी डी और बी ए जब ये दोनों पैरेलल तो है ही, इसके पैरेलल एक लाइन हम ई से ड्रॉ कर लेते हैं. दो तरीके हैं इसको करने के, आप इसको भी एक्सटेंड कर सकते हो, बी ए को एक्सटेंड करके ई सी से ज्वाइन कर देंगे, या फिर हम ई से इन दोनों के पैरेलल एक लाइन और ड्रॉ कर देंगे. तो यहां हमने कंस्ट्रक्शन की है ड्रॉ ई एफ पैरेलल टू ए बी पैरेलल टू सी डी. ए बी और सी डी तो पहले से ही पैरेलल गिवन थी. इन एंगल्स की नेमिंग कर लेते हैं, ये वन टू थ्री और सपोज ये हमारे पास फोर. तो अब देखो सबसे पहले हमारे पास ए बी और ई एफ दोनों पैरेलल हैं. सिंस ए बी पैरेलल टू ई एफ तो इसलिए एंगल वन और एंगल फोर का सम क्या होगा, 180 हो जाएगा क्योंकि को इंटीरियर एंगल्स हैं ये. दिस इम्प्लाइज एंगल वन प्लस एंगल फोर. देखो इनमें ट्रांसवर्सल ए ई है, ए ई इज ट्रांसवर्सल. वन प्लस फोर का सम 180. इक्वेशन वन मार्क कर लेते हैं इसे. ये है हमारे पास को इंटीरियर एंगल्स, इसका रीजन हमारा ये रहेगा. अब ऐसे ही एफ ई जो है वो पैरेलल टू डी सी भी है. ऑल्सो एफ ई इज पैरेलल टू डी सी. अगर ये दोनों पैरेलल हैं तो ऐसे ही हमारे पास कौन से दो एंगल का सम 180 होगा, ये कंप्लीट एंगल और ये एंगल, ये दोनों भी को इंटीरियर एंगल होंगे तो इनका सम भी 180 आएगा. एंगल एफ ई सी प्लस एंगल डी सी ई इज इक्वल टू 180 डिग्री. सेम रीजन है हमारे ये को इंटीरियर एंगल्स. एफ ई सी हमारे पास देखो टू और फोर को ऐड करके बन रहा है, इसे हम टू प्लस फोर लिख सकते हैं. और डी सी ई हमारा एंगल थ्री हमने मार्क किया हुआ है, ये 180. ये सेकेंड इक्वेशन होगी. अब देखो 1 प्लस 4 का सम भी 180 है, 2 प्लस 4 प्लस 3 का सम भी 180 है. अगर दोनों का सम 180 है तो दोनों को हम इक्वेट कर सकते हैं यहां से. फ्रॉम 1 एंड 2 1 प्लस 4 विल बी इक्वल टू एंगल 2 प्लस 4 प्लस 3. देखो 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया तो हमारे पास क्या बच गया, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 3. एंगल 1 क्या है हमारा, एंगल बी ए ई. एंगल टू है हमारा ए ई सी और एंगल थ्री है ई सी डी. अब देखो जो प्रूफ पढ़ना था उसमें बी ए ई माइनस ई सी डी है, मतलब इस एंगल को हमें बस लेफ्ट में लेके आना है, तो जो प्रूफ पढ़ना था वो हो गया हमारा. एंगल बी ए ई माइनस एंगल ई सी डी विल बी इक्वल टू, जो राइट हैंड साइड पे है राइट पे रहने वाला है ए सी. तो यही हमें प्रूव करना था. थैंक यू.